कोविड काल में प्रशासनिक अफसरों द्वारा जनता से दुर्व्यवहार करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में इंदौर के एक आईएएस अफसर विवेक श्रोत्री ने सेवा की मिसाल पेश की है। विवेक श्रोत्री राधा स्वामी कोविड सेंटर के प्रभारी हैं। उनके पिता का निधन कुछ दिनों पहले हो गया। पिता के निधन के बाद भी आईएएस श्रोत्री ने कोविड पेशेंट्स की सेवा का जज्बा नहीं छोड़ा। दूसरे ही दिन वे राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर पहुंच गए और अपने काम पर लग गए। श्रोत्री के काम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सराहा है। देखिए, जो पारिवारिक नुकसान है वो तो अपनी जगह है और पिताजी का आशीर्वाद मेरे पर हमेशा रहा है और जब तक वो जीवित थे मैं उनसे मिलता भी रहा, उन्होंने भी काफ़ी प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया। लेकिन हम जब शासकीय सेवा में आते हैं तो ये पूरी पब्लिक जो है और जो पूरा हमारा कार्य क्षेत्र है उसका हर व्यक्ति परिवार का सदस्य है और अपने आसपास इतनी ज़्यादा तकलीफ है लोगों को कि कई बहुत यंग लोग जो हैं वो भी दुनिया से जा रहे हैं इससे इस संक्रमण के प्रभाव में आए हैं। तो मैं अपने सबॉर्डिनेट से भी यही कहता हूँ कि शासकीय आदमी जो है उसके पास एक मौका होता है कि वो अपने समाज को सेवा कर सकता है। जो काम वो कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, वो प्राइवेट में बहुत सारे लोग करना चाहते हैं पर उनके पास फील्ड और प्लेटफॉर्म नहीं होता है। तो आज हमारे यहाँ का छोटा सा कर्मचारी भी हो, चाहे वो छोटी सी जिम्मेदारी में भी लगा हुआ है, तो हम सबको ये प्लेटफॉर्म ईश्वर ने दिया हुआ है, ये मौका दिया हुआ है, तो सभी लोगों को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। इसी प्रेरणा से मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है और उन्होंने वो प्रोत्साहन देते हैं हम लोगों को और उनसे वो प्रेरणा देते हैं और हमारा जिला प्रशासन भी इसमें पूरा सब लोग सबके साझा जो ताकत है वो हम लोगों में रहती है। मैं सबके उन जो लोग उनसे इस दुख में शामिल हुए उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और जो प्रोत्साहन सब पूरे शहर से मिला हुआ है तो वो मुझे भी प्रेरणा देता है कि हम और इसमें काम करें और जो ये कठिन समय है उसमें सारे लोग मिलकर इस समय से बाहर निकलें।